हाँ जी गाइस, सो इन द फर्स्ट पार्ट वी डिड टिल दिस क्वेश्चन नंबर 17 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18. या प्लीज रीड इट आउट. अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म फाइव सॉलिड क्यूब्स होज वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 118:27:27. द परसेंटेज by which the sum of the surface areas of these five cubes exceeds the surface area of the original cube nearest to. Okay, so volume is given to us. Yes? Yes. Given to us. So if their volume is in this ratio, what is the ratio of the volume? 118. Ratio of the volume is 118:27. So their sides will be in the ratio 1, 1, 2, 3, 3. Yes. Yes, sir. So. Yes, sir. If I add it up the total volume, right? He says, solid cube is melted. So the total volume of this becomes 64 becomes total volume. Yes, sir. Yes, sir. And the ratio of this is becomes 4. Right? Ratio of the this side. Yes, no? Four is the volume, no? Yes, sir. Four side. Yes, sir. Yes, sir. Four. Yes. Now, yes, what sir. Is the ratio of the surface area? This will be 1. This will be 1. This will be 4. 4. 9. 9. And it will be 16. 16. How much is this? Isn't it? 24. Yes. How much this is more than this? 8. 50% of. In percentage terms? 50%, sir. 50%. Did you understand this? Yes, sir. There is 64. Exact area nikalne ki zarurat nahi hai. Nikal bhi sakte ho formula laga ke. बट हमने बताया था वॉल्यूम्स क्यूब की रेशियो में होते हैं, साइड्स सिंपल रेशियो में होती हैं और एरिया स्क्वायर की रेशियो में होती है, साइड या पेरीमीटर. ठीक है? यस सर. सरफेस एरिया स्क्वायर होता है, वॉल्यूम क्यूब होता है. तो वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन, जहां पे हम 3D शेप को दूसरी 3D शेप में कन्वर्ट करते हैं. जब ये कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज सही रहती है. क्या सही रहती है? कि भाई वॉल्यूम सेम रहता है दोनों का. ठीक है? वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है. टोटल वॉल्यूम सेम रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर अगर यहाँ पे पेरीमीटर का होता तो वो 4 × करते. अरे पेरीमीटर होता तो भाई पेरीमीटर उसके केस में करते हैं. किसके केस में? जो 2D शेप होगी. ओके सर. 2D शेप में पेरीमीटर और एरिया होता है. 3D शेप में सरफेस एरिया और वॉल्यूम बॉडी डायगोनल भी आ जाता है. बॉडी डायगोनल तो बॉडी डायगोनल जो होगा, बॉडी डायगोनल विल बी रेशियो ऑफ द साइड्स ओनली. ठीक है? बॉडी डायगोनल रेशियो ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. अ बॉल ऑफ डायमीटर 4 cm इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ अ हॉलो सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 cm व्हाइल इट्स वॉल्यूम इज 95 cm³. देन द वर्टिकल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल from the base of the cylinder.
अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का अच्छा लेवल चाहिए, ठीक है। हालांकि मुश्किल नहीं है, पर फिर भी जल्दी जल्दी लोगों के पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, क्या है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर बॉल रखी गई है। अगर आप देखेंगे, मान लो ये होलो सिलेंडर है, मान लिया ये होलो सिलेंडर है, दोनों का डायमीटर सेम होगा बेटा, फिर तो नीचे गिर जाएगी। अगर डायमीटर सेम होगा तो बॉल क्या होगी, फिट हो जाएगी उसमें, नीचे गिर जाएगी। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटी होगी तो नीचे गिर जाएगी, थोड़ी सी बॉल मेरी बड़ी होगी, और थोड़ी सी बड़ी होने के कारण क्या होएगा, वो उसका पेट फंस जाएगा सर। हाँ, वेरी गुड। कैन यू सी दिस? यस सर। ये वाली कहानी बनेगी, बॉल ऐसे आ जाएगी आपकी, ठीक है। बोलो। यस सर। आपकी कुछ हाइट लॉस हो गई, कुछ हाइट लॉस हो गई ना? यस सर। वैसे तो देखो डायमीटर चार है, किसका, बॉल का, हाइट चार और तीन सात हो गया, ठीक है। यस सर। तो भाई सिलेंडर, अगर बॉल उस सिलेंडर के अंदर चली भी जाए तो चार और तीन तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। यस सर। यस सर। समझ आया? नहीं। यस सर। तो चार तो रहेगा ही रहेगा ना? हाँ जी। तो ये थोड़ा सा ऐसे फंस रहा है, तो ये जो है आपका जो बॉल है इसका हाइट तीन है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 9 pi, तो मेरे से इसकी रेडियस निकल आएगा सिलेंडर का। यस सर। का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पता होगा सबको, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9 pi। यस। 9 कट गया, एच कितना है, 3, एच इज इक्वल टू 3, तो आर कितना आ गया, अंडर रूट 3। गॉट इट एवरीवन? तो ये है, ये अंडर रूट 3 है, क्या है, अंडर रूट 3 है। डायमीटर कितना है इसका बॉल का, 4 ये 2 हो गया जी सर। यस यस सर। तो यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर। तो ये हाइट 1 आ गई, आ गई सर, और ये भी 1 आ गई नीचे वाली, क्योंकि टोटल 2 है। हाँ जी सर। यस सर। सिलेंडर कितना अंदर गया सर का, ये बॉल, 1 2 यस सर, टोटल ये 4 है ना? यस सर। ये टोटल 3 है, 4 और 3 7 होना चाहिए, 4 + 3 शुड बी 7, राइट। ये दोनों आंसर तो बाहर हो गए। यस सर। अब अगर ये बिल्कुल बॉल बीच में आ जाए, यहां आ जाती बॉल, बिल्कुल नीचे आ जाती, ठीक है, जस्ट, तो आंसर 5 आता। यस सर। समझे, इसको कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको थोड़ी जानकारी भी होती ना कि भी कैसे बनेगी शेप, तो भी आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए। सर, इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं कि अगर आधा होता तो 5 है, आधे से ज्यादा तो 5 है, पर आधा होता तो बीच में ना गिर जाता। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है, ठीक है। यस सर। ये तो फिगर नहीं बन रही थी, मतलब दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, नो, मैक्सिमम ये 6, मैक्सिमम 5 हो सकते, मिनिमम 5 हो सकती है, ठीक है। यस सर। 5 होगी तो खड़ेगी कैसे बॉल, अंदर भी गिर सकती है। बोलो। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। और अगर अंदर गिर गई तो फिर वो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये आंसर तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, ये आंसर बच गया, 7 से कम आना चाहिए आंसर, ठीक है। ये सारा कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाती है कहानी, हो गया। यस यस सर। बस डायग्राम बन गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let ABC a right angle triangle with BC as the hypotenuse. Lengths of AB and AC are 15 km and 20 km respectively. The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from A at a speed of 30 km per hour is. देखो भाई ये 15 है ये 20 है ये तो 25 आ जाएगा कोई डाउट है क्या इसमें नो सर नो सर ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा राइट यस सर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल जी तो ये 12 किलोमीटर को 30 kmph से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा चौबीस ही लगेगा ना टाइम यस सर आंसर आ गया सर जो अपने 12 निकल रहे वो डांस स्टेप वाला मेथड लगा के निकल रहे अपने 12 डांस वाला निकाल लो एरिया वाला निकाल लो दिस इनटू दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस इनटू दिस डांस स्टेप लगा लो ना दिस इधर कोई ठीक है या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ ये पॉइंट हाइपोटेन्यूज होता है ठीक है बट हमें क्या चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज पहुंचना है तो ये परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हमें हाइपोटेन्यूज पहुंचना है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नो दिस कम्स आउट 12 तो 24 आंसर आ गया बोलो भाई ठीक चल रहा है ना यस सर यस सर चलो आगे सपोज log 3x इज इक्वल टू log 12y इज इक्वल टू a where x y are positive numbers if g is the geometric mean of x and y and log 6g is equal to ye g kahin power mein to nahi hai x aur ye ये ऐसे तो नहीं है नहीं सर ये log base 6 है log 3x ऐसे तो नहीं है या log नहीं सर 3 बेस है x वो है सर ये सेकंड वाला log y 12 is equal to a हां जी सर तो इसका मतलब क्या हो गया 3 raised to power a is equal to x हां जी सर 12 raised to power a is equal to y y ठीक है अब इसने क्या कहा 3 square is equal to a into 12 raised to power a is equal to xy बोलो यस सर तो यहां से क्या आ जाएगा ये जी स्क्वायर आ जाएगा जी आ जाएगी सर यहां से इसने कहा log 6g एंड सो 36 की पावर a इज इक्वल टू xy राइट एंड इसने कहा xy का ज्योमेट्रिक मीन xy का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा xy का अंडर रूट यस सर अंडर रूट ऑफ xy इज द ज्योमेट्रिक मीन नो हां जी ये भी a/2 दिस इज xy y/2 अब इसका क्या करना है इसका आपको log ले लेना है log 6g निकाल ले लो इसका तो log ऑफ 6 बेस xy 1/2 व्हिच इज g इज इक्वल टू log ऑफ 6 बेस 36 की पावर a/2 6 की पावर a हो गया ये log 6 6 की पावर a isn't it yes तो 6 6 कट गया a आंसर आ गया बोलो भाई यस हां जी सर ये तो बेस किया हुआ है ना log anything base to same thing is equal to 1 yes 1 yes sir बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ हां जी बोलो if x plus 1 is equal to
x2 and x greater than 0. Yes, square hai sir ye. X square and x greater than 0, then 2x 4 to in. ये भी ठीक नहीं लग रहा. ये सर 2x की 4 है. 2x पे पावर 4 है. X raised to 4. Is equal to what? Right? नहीं पूछा ना इन्होंने. हाँ जी सर. Yes. हाँ. तो ये x square ये है हमारा. और हमें पता करना है ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 पता करना है. ओके ये 5 इनटू है ना. हाँ जी. चलो यहां से एक्स की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे. दैट इज वन वे. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. हाँ जी सर. यस. व्हाट इज एक्स इक्वल टू? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मींस वन राइट. माइनस फोर ए सी. वन माइनस फोर अपॉन टू ए राइट. बोलो भाई. यस सर. इस तरीके से तो लंबा हो जाएगा यार ये. अच्छा एक मिनट, हमारे पास एक्स स्क्वायर है एक्स प्लस वन. व्हाट विल बी एक्स रेज टू पावर फोर? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. इजंट इट? यस सर. यस सर. तो कैन वी राइट इट एज एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पर थोड़ा लंबा जाएगा. अगर हम अपने वो वाले मेथड से लगाएं x प्लस वन बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर नो, तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय x कर दो इसको. तो वन इज इक्वल टू x माइनस वन बाय x. बोलो भाई कैन वी राइट दिस? यस सर. यस सर. x minus 1 by x is equal to 1. What will be x square minus 1, x square plus 1 by x square? 3? 100 plus 2 हो जाएगा. Yes, sir. For sure. ठीक है ना, x square plus 1 by x square 3 हो गया. हाँ जी. और इसका दोबारा 4 करो, x 4 plus 1 by x 4 क्या हो गया? सेवन नाइन माइनस टू सेवन आ गया ना. सेवन आ गया. सो वाई प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू सेवन. अप्रोक्सीमेटली इसमें से देखो, ये जो नंबर होते हैं ना रेसिप्रोकल में होते हैं. तो इसमें 49 माइनस 45, इसको ट्राई करना. 7 प्लस 3 रूट 5. 7 ही बन रहा है या कुछ और बन रहा है? 7 ही बन रहा है ना ये. अच्छा ट्वाइस भी तो लेना है ना हमने उसका. तो ये आ गया आंसर. कैसे सर? ट्वाइस से कैसे क्या हुआ? ट्वाइस जो होएगा ना इसका ट्वाइस. अच्छा ठीक है सर. ये तू टेक ट्वाइस ऑफ दिस. सो ये तो x4 plus 1 by x4 आ गया. तो जो x4 आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड यू नो 6 पॉइंट समथिंग.
6.70 6.8 types 6.8 plus 1 by 6.8 is equal to 7 isn't it bolo theek hai to twice x4 kya ho gaya around 13.6 approximately 13.6 so क्योंकि ये ना हमने किया आपने अलजबरा में किया होगा याद होगा आपको हमने भी किया था कि x अगर a प्लस रूट बी होता है तो 1 बाय x जो होता है वो a माइनस रूट बी हो जाता है कंजुगेट होते हैं ना ये बोलो यस सर मतलब इसका एग्जैक्ट थोड़ा लंबा जा रहा है ठीक है बट दिस इज व्हाट इट इज ये आ गया हमारा यहाँ से 3 आ गया x square plus 1 by x square चलो यहाँ से मैं करवाता हूँ यहाँ पे y plus 1 by y आपने क्या पुट कर लिया 7 पुट कर लिया यस सर क्लियर है ना ये स्टेप क्लियर है ये स्टेप क्लियर है ये स्टेप क्लियर है बोलो सर यस सर यहाँ पे हमने x4 को y ले लिया तो y plus 1 by y क्या आ गया 7 आ गया सर y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यस सर तो इसके रूट क्या होंगे माइनस 7 प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 49 बोलो यस सर 4 अपॉन 2 व्हाट इज दैट 7 माइनस प्लस माइनस 3√5 यस अपॉन 2 सो दिस इज वाई आई हैव टू टेक 2 वाई सो दिस इज 7 प्लस 3√5 ओके ठीक है ना मैं ये अवॉइड कर रहा था आई वाज ट्राइंग टू स्किप दिस ठीक है एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 के नियर अबाउट देख लेंगे ऑप्शंस में हां दैट इज व्हाट वी कैन डू दैट इज व्हाट वी हैव डन बट यहां तक आ गए फिर तो आप यहां से देख के ही बता सकते हो हां जी सर ठीक है यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो ये जल्दी-जल्दी निकलने वालों में से नहीं है ठीक है ना मतलब पेपर में नहीं भी चमकता कई बार हालांकि है तो स्टैंडर्ड ही है कुछ इसमें घपला नहीं है बट स्टिल कई बार नहीं चमकता एग्जाम में हां जी If 92x minus 1 is if 92x minus 1 minus 81 ये ना actually power में है sir 9 की power 2x minus 1 9 की power 2x minus 1 minus 81 उसकी power sir नीचे minus sir जी 2x minus 1 कट्ठा sir power में है 9 की power 2x minus 1 हाँ जी minus 81 की power x minus 1 x minus 1 क्या है सर 1944 आपने देखा इसका सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था मैंने अलजेब्रा की क्लास में करवाया भी है वो याद है नहीं है ओके 9 रेज टू पावर 2x माइनस 1 कैन वी राइट 9 रेज टू पावर 2x माइनस 2 यस सर लिख सकते हैं सर इज इक्वल टू 1944 यस सर यस सर फंडा क्या है बेबी को बेस पे समझ बेस यस सर तो कैन वी राइट 9 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 9 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 1 यस सर यस सर सो या इसको कर देते हैं माइनस 2 प्लस 1 इजी हो जाएगा थोड़ा इधर ऐसे कर लो ठीक है यस सर ओके अब इसमें से 9 रेज टू पावर 2x माइनस 2 कॉमन ले लो क्या बच गया 9 सर 9 माइनस 1 माइनस 1944 यस सर 3 रेज टू पावर 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 1944 अपॉन 8 कट कर दो यस सर क्या कट किया कट करो क्या आया 243 तो x की पावर कितनी 243 होता है 3 की पावर
फाइव होता सर फाइव यस सर फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू नाइन बाय फोर नाइन बाय फोर डिट्टो क्वेश्चन एक और एग्जाम में आया हुआ है जहां पे टू और थ्री की पावर की गई है ठीक है ये मेरी वीडियो में भी मैंने बताया था आपकी जो वो वाली है एलजब्रा की फर्स्ट सेकंड क्लास एलजब्रा एक्सपोनेंट्स किए हैं जहां पे ठीक है ना ठीक है सर अब लोग इसको देख के घबरा जाते हैं भाई घबराना है ही नहीं हमने बताया बेबी को बेस पसंद है बेस कॉमन करो तभी कुछ होगा एक्सपोनेंट में लॉग में एक ही रूल है कि बेस कई कहानी है बेस को पकड़ लो ठीक है बेटा ठीक है सर या इसको थ्री बेस में ले आओ इसको भी थ्री बेस में ले आओ वो भी एक तरीका है सीधा ही ये हो जाएगा थ्री की पावर फोर एक्स माइनस ये हो जाएगा थ्री की पावर फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 1944 कहानी तो इसके बाद शुरू होती है कि इसको सेपरेट कैसे करना है कॉमन कैसे लेना है एक्सपोनेंट में कॉमन कैसे लेंगे राइट बोलो यस यस सर अच्छा अब देखो 1944 है ना थ्री की पावर पता है आपको कितनी होती है थ्री की पावर 243 इनटू 8 729 आगे बोलो द 2187 2187 आगे थ्री की पावर 6561 तो आप देखोगे कि जो मेरी पावर लगेगी यहाँ पे ये कितनी होती है 2 raised to power 5 6 7 राइट 3 raised to power हैं जी 3 होगा 3 raised to power अरे वही ठीक है तो इससे दो वाली दो कम पावर माइनस करनी है हमने ठीक है तो ऑब्वियसली यही आंसर आएगा ना समझ आया नहीं आया नहीं आया सर यार आ गए सर पावर लिख लो जैसे मैंने लिख लिया 1 3 9 बोलो आगे 27 और 81 टू फोर अब हमारा यहाँ गैप दो का है ना यहाँ पे थ्री में दो का गैप है ना ये तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है नंबर और उससे दो कम पावर का जो गैप है वो 1944 है तो कौन सा बनेगा 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 5 ठीक है सर इसका तो कोई बनता ही नहीं ये तो बनता ही नहीं है यही बनेगा ना यही दिस इज द ओनली ऑप्शन ठीक है सर बोलो यस सर हाँ ये तो समझ आ गया तो 4x-2 = 7 आंसर आ गया ठीक है सर ये भी ठीक है सर ठीक है ना जब थ्री बेस है थ्री की पावर ही आएंगी हाँ जी सर अब देखो 2017 में ये आया 2019 के पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि ये अलग अलग कर दिए उसने यहाँ पे थ्री कर दिया यहाँ पे फाइव कर दिया ठीक है ठीक है सर ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे थ्री की पावर एक लिख लेंगे पावर की पावर एक लिख लेंगे फाइव की ठीक है थ्री की पावर समथिंग माइनस फाइव की पावर समथिंग राइट इज इक्वल टू समथिंग मान लो मैंने लिख दिया 2371 ऐसे ही रैंडम लिख दो 7 6 लिख लिया मान लो ठीक है सर तो मैंने क्या देखा ये तो 5 देगा ना लास्ट डिजिट यस सर अब ये क्या देगा 3 9 27 81 तो 1 में से 5 करेंगे तो ही 6 आएगा यस सर की फोर्थ वाली पावर आएगी जो भी आएगी ठीक है उसके क्रॉसपॉन्ड 5 की पावर आएगी फिर गैप देख लो कि अगर 2300 का गैप चाहिए तो भाई ये 2300 2400 के ऊपर जाना चाहिए ना यस सर ये हमारा क्या आया था 2187 6561 तो या तो 6561 होगा या इसके नेक्स्ट वाला होगा समझ आया यस सर 6561 से क्रॉसपॉन्डिंग इसकी 5 की वैल्यू देख लो जो इससे थोड़ा सा जैसे जाती हो जैसे ये 5 की पावर 5 क्या होता है 3125 यस सर
लेट अस दिस इज इक्वल टू थ्री थ्री फोर फोर थ्री फोर थ्री सिक्स ठीक है लो बना दिया क्वेश्चन ताजा क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस फाइव रेज टू पावर एक्स माइनस समथिंग इज इक्वल टू थ्री फोर थ्री सिक्स ठीक है बोलो यस सर यस सर थ्री की पावर सिक्स फाइव सिक्स वन कितने पे आ रहा है आठ पे आठ पे और फाइव की पावर ये हो गया लो फाइव फाइव कैन यू डू दैट यस सर यस सर अब यहां से वैल्यू पता करो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स तो आप कहोगे कि भाई बेस तो इक्वल नहीं है ठीक है तो आप थ्री की पावर देखोगे जो इसको मैच करे इसको और मजेदार बना लो थ्री रेज टू पावर एक्स प्लस वन माइनस फाइव रेज टू पावर एक्स माइनस टू हमें तो गैप ही देखना है ना हाँ जी सर हाँ जी सर हो गया सर अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस फाइव रेज टू पावर एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव थ्री आएगा सर वन आएगा एक्स माइनस वन ठीक है हाँ जी मतलब अगर हमें 10 तक सभी की पावर पता है तो चल सकते हैं ये काम मेथड का हाँ पता होना चाहिए ना बताया ना मैंने एक्सपोनेंट वाली क्लास में अलजेब्रा 2 में यस सर ये 10 तक की पावर तक याद करनी पड़ेगी ये 3 रेज टू पावर 10 होता है 59049 ऐसे 2 रेज टू पावर 10 होता है 1024 है ना बाकी सबकी 5th 5th पावर तक बिल्कुल याद होनी चाहिए 2 और 3 की पावर करनी है बाकी सबकी 5th या 6th पावर तक ठीक है और 10 के बाद 10 से लेके 20 तक फोर्थ पावर तक मतलब 10 से लेके 15 तक कर लो फोर्थ पावर तक उसके बाद क्यूब्स ठीक है इट हेल्प्स चलो भाई समझ में आ गया नया क्वेश्चन बन गया ना ये यस सर अब इसमें भी बंदा घबरा जाएगा भी पता नहीं क्या कर रखा है ठीक है ना एक्स की वैल्यू पता करो है ना हाँ जी सर एक क्वेश्चन मिस कर दिया कोई नहीं पकड़ लेते हैं इससे पहले वाला ही है बोलो भाई ये बेस में होगा सही शायद ये यस सर बेस में सर तो लॉग ऑफ अंडर रूट 5 बेस ऑफ 0.008 प्लस लॉग ऑफ बेस अंडर रूट 3 रूट 381 माइनस 7 खाली 7 हाँ जी सर ऐसे ही है 7 या कुछ और भी है ऐसे ही सर बस सर ऐसे ही है अब ये देखो भैया ये वाला वैल्यू तो पता है आपको कितना आ जाएगा आसानी से 8 आ गया आ गया सर आ गया ना 8 या नहीं आया यस सर आ गया रूट थ्री की पावर कितनी करें 81 आ जाए थ्री की पावर करने थ्री का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा रूट थ्री का फिर उसकी पावर 4 करनी पड़ेगी तो ये तो 8 आ गया सो 8 माइनस ये तो 1 आ गया अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा ठीक हो गया यस सर सो ये नेगेटिव में ही होगा क्योंकि पॉजिटिव में जाके तो बनेगी नहीं रूट फाइव तो पहले तो रूट फाइव को इधर ले आओ 1/2 आ गया बाहर यस सर तो जो फाइव है दैट कैन बी रिटन एज 10/2 लॉग फाइव कैन बी रिटन एज 10/2 और ये 0.008 है आगे 1/2 आ गया सर ये भी तो 0.2 के पावर 3 हो गया ना सर हाँ हाँ करते हैं बेटा ये हो गया आपका लॉग 0.2 की पावर 3 रूट 5 है ना ऐसे लिख लो इसको तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया
इससे 1/3 बाहर आ गया, क्या बच गया, log 5/0.2, राइट, 0.2 कैन बी रिटन एज 1/5, यस सर, दिस कम्स -1, तो 1 - 1/6, सर अंडर रूट तो है ना अंदर जो आपने ये सर्कल लगाया इसका फाइव बाहर ले लिया ना बेटा, अंडर रूट को बाहर निकाल के 1/2 लिख लिया, बेस में पावर थी तो उसको 1/3 लिख लिया, 0.2 कैन बी रिटन एज 1/5, तो 1/5 की पावर 5 कब आएगी, -1 पे, तो दिस बिकम्स होल बिकम्स -1/6, ये हमारा 1 आ गया था, तो 1 - 1/6 लॉग का क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर, थोड़ा सा टाइम लगने वाला था बट यू कुड डू इट, मतलब अगर आपने बेसिक लॉग किया हुआ है तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉग है और तो कुछ है नहीं इसमें, फर्स्ट क्लास लॉग की सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉग, ओके, हाँ जी ये हो गया, ये पढ़ो अब, The number of solution x, y, z to the equation x minus y minus z is equal to 25, where x, y, z are positive integers such that x is less than equal to 40, y is less than equal to 12 and z is less than equal to 12. तो इसकी वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालनी है. ये लंबा घना क्वेश्चन लग रहा है ये. x अगर 1 है मान लो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे, है ना, तो x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 25, यही बना ना, बोलो, हाँ जी सर, यही बना सर, तो अगर हम मिनिमम देते हैं तो एक्स कैन बी मैक्सिमम 40, हाँ जी सर, उनको मिनिमम कर लेते हैं, 7 तक आ सकता है एक्स, बोलो हाँ या ना, 25 अभी तब आएगा जब उनका एक-एक वैल्यू होगी, वैल्यू एक-एक हो क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो 0-0 तो हो नहीं सकती, हाँ जी एक-एक ले लेंगे, तो 40 पे ये 27 तक ये 14 वैल्यूज बनती है मेरी, बोलो हाँ या ना, यस सर, जब मेरा एक्स ये है तो ये 1-1 है, बोलो, यस सर, जब ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 and 2, ठीक है, 1, 2, 2, 1, 3 होगा जब ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, जब तक ये 12 पहुंचता है, जब ये 12 पहुंचेगा टोटल 13 पहुंचेगा, इनफैक्ट 13 पहुंचेगा तो दिस शुड बी 38, राइट, बोलो, यस सर, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 जब 2 सॉल्यूशन है 1 वैल्यू होगी, जब 3 है तो 2 होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, बोलो, जब मेरा 12 होगा ना सम तो 11 वैल्यूज होंगी, जब 13 सम होगा तो 12 वैल्यूज होंगी, तो 1 टू 12 का समीशन 12 × 13/2, 78 वैल्यूज आ गई, यस, ये तो सिंपल ही सीरीज चल रही है ना, यस सर, यस सर, तो क्या हो सकता है, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, प्रोबेबिलिटी में किया था ना हमने, यस सर, अब क्वेश्चन आ गया, जब मेरा सम 39 और 40 होगा, 39 होगा तो ये कितना हो सकता है, 14 हो सकता है, बोलो,
सर उन दोनों का कह रहे हो एक्स वाई और जेड? हाँ 14 हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर बिल्कुल। 14 होगा पर इसमें हम दो वैल्यू नहीं लेंगे, एक और 13 और 13 और एक। हाँ जी सर। ऐसे ही जब ये 15 हो जाएगा तब हम इसमें से तीन वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी? एक और 14। एक 14 14 एक 14 एक और दो 13 13 दो। सर 13 दो में क्या दिक्कत है सर? 13 दो में ये 12 12 से ज्यादा हो गया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। x plus y is equal to 15 और ये तीन वैल्यू आएंगी इसमें 14 में, एक 13 13 एक है ना। हाँ दो वैल्यू नहीं ले सकते, दो ही यहाँ दो नहीं ले सकते, यहाँ चार नहीं ले सकते। चार तो एक से लेके 14 वेज तक, 14 इंटू 13 डिवाइड बाई टू, नहीं n इंटू n प्लस वन होता है ना, माइनस वन होता है, प्लस वन होता है। 14 इंटू 15 डिवाइड बाई टू, 105 में से चार वैल्यू माइनस कर दो, 101 आंसर आ गया। टोटल 105 बनी ना वैल्यूज भाई। हाँ जी सर, मतलब इन्होंने 105 भी दे रखे हैं लास्ट तक उलझाने के लिए। ठीक है, 105 में से हमने 39 जब x लिया और जब x 40 लिया, उसकी जो दो वैल्यूज बनी वो नहीं लेनी। ठीक है, आई वुड रेट इट एज ए स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, आम बंदे के बस की बात नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं चमकेगा ये। ओके हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। सर इसका आंसर 99 दे रखा है। 90 कोई और रह गया होगा फिर हमारा, कोई और मिस हो गया होगा। क्या आपने फिर 6x करना था ना सर? आप तो 4 कर रहे हो, तो 2 तो 39 के हो गए, 4 40 के हो गए, तो 6 लेस करेंगे। हाँ 2 और 4 6 माइनस होगा 90। हाँ जी, हाँ जी 4 कर दिए। आप 4 कर रहे थे सर। आप हैव यू सीन दिस के भाई हम क्या गलती कर सकते हैं? पूरा क्वेश्चन निकाल लिया देखो हमने, गलती कर दी। और गलती क्या करती? सस्पेक्शन। हाँ जी सर, उन्होंने भी देखो तीनों ऑप्शन है, 105 भी दे दिया, 101 भी दे दिया, 99 भी दे दिया। ऐसा पेपर है ना? हाँ जी, कोई मजाक थोड़ी ना है। ये उन लोगों के लिए जो लोग अटकते हैं पेपर में, मतलब जिनको जो लोग बाकी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। समझाया नहीं आया? हाँ जी सर, ये उनके लिए है जो बाकी लोग देखो, हम अपने अपने आप पे भी देखो ना, हमारे पे लगाओ ये चीज कि हमने सारा सॉल्व कर लिया, एक एक चीज निकाल ली। हाँ जी ठीक है, वैल्यू भी 6 निकाल ली जो नहीं आएंगी। यस सर, माइनस करते समय जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई। गड़बड़। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटीजर्स एन will the inequality n minus 5 into n minus 10 minus 3 into n minus 2 less than equal to 0 be satisfied? अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये एक quadratic equation है एक साइड तो? Yes sir। और दूसरी साइड? जीरो है। जीरो है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n square माइनस 15n प्लस 50 राइट माइनस 3n प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। बोलो भाई ठीक हो गया नहीं हो गया? यस सर। यस सर। जी सर। n स्क्वायर माइनस 18 चार और 14 के बीच में आएगा ये। ठीक है, इधर ये इधर 11 आ गया, लेस देन इक्वल टू है तो सारे आ जाएंगे, 4 भी आ जाएगा 14 भी आ जाएगा।
चार से चौदह तक कितने इंटीजर होते हैं? इलेवन। अब आपको ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? क्या भाई हमने की नहीं है? सिंप्लीफाई करके आसान हो गया सर, वो था ही ना, आपको दिखाने के लिए गंदा किया गया था, अदरवाइज तो इनइक्वालिटी है। कितनी दो क्वेश्चन किए हमने इनइक्वालिटी के? अलजेब्रा की क्लास जो है पांचवी या छठी क्लास है जिसमें हम इनइक्वालिटी करते हैं, इनइक्वालिटी का मॉडुलस किया था जिसमें। हाँ जी, इसमें किया है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू हो तो क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है ना, ये वाला वैल्यू है इसके और इसके बीच में। बोलो यस नो। यस सर। लगाई है नहीं लगाई है इनइक्वालिटी की क्लास सबने? लगाई है सर। वही तो है, उसके बाहर तो नहीं है ना? नो नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो भाई। इफ एफ वन एक्स इज इक्वल टू x square plus 11x plus 2x square and f2x is equal to x, then the largest positive integer and for which the equation f1x is equal to f2x has two distinct real roots. दो अलग अलग real root होने चाहिए, कब होने चाहिए दो real root? जब equal हो। ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो और उसके बाद फंडा क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यही होता है ना? बोलो यस नो। यस। एफ एक्स, एफ एक्स तो घुमा के दिया और कुछ नहीं है, इसको ये लिखो x square is equal to 11x plus n is equal to x square plus 10x plus n is equal to 0. Right? Yes. B square 10 minus 4n should be greater than or equal to 0. बोलो हाँ या ना तो बोल दो यार। Yes sir. Yes sir. तो क्या हो गया, n should be less than or equal to 25. Yes, sir. Yes, sir. 25 हो जाएगा तो इसके इक्वल रूट्स हो जाएंगे, हमें डिस्टिंक्ट चाहिए तो इट शुड बी लेस देन 25। 24। 24। आंसर आ गया। बेसिक है ना? बेसिक है सर ये तो। b square minus 4ac should be greater than 0। ये मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में। Yes, sir. और इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो है रूट्स रियल और इक्वल, रियल नहीं नहीं इक्वल नहीं, रियल एंड रियल इमेजिनरी या इरेशनल, इसके बेस पे अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल होंगे। हाँ जी, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब क्या है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, ये ऊपर से ही निकल, ऊपर से निकल जाएगा। Yes, sir. और अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये टच करके जाएगा। हाँ जी। इफ ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 30, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर then the minimum value of a minus b square plus a minus c square plus a minus d square is, bolo bhai minimum value 8877 ले लेंगे। इसको 8 ले लिया, उसको सबको 777 ले लिया, नहीं ले सकते ना। सर पॉसिबल 8 8
8877 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 1 1 0 आ गया, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है, बोलो यस सर। ये तो वैसे हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, यस सर, मैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। इसको आपने ऐसे लॉजिक लगाया कि हमने मिनिमम लेनी है तो सेंटर पे मतलब बराबर वैल्यू लेनी है, अगर इंटीजर नहीं होता तो 7.5 ले लेते ना सबको। अच्छा सर, मतलब वहां पे मैक्सिमम बराबर लेनी है, ठीक है। हां मिनिमम ले लिया मैंने, कहा कि सब पास में ही है, ठीक है, जितना पास में हो सकते हैं, ठीक है सर। 8877 ले लिया, कोई भी दो 8 ले लिए, कोई भी दो 7 ले लिए, पर मैं इसको ही 8 लूंगा, ए और बी को ही एक, कोई ठीक है, कुछ भी ले लो 7 ले लो तो भी एक ही आ जाएगा, डजंट मैटर। अब इसमें अगर ये पूछ सकते हैं व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ, मतलब इफ दिस इज इक्वल टू मिनिमम व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, बोलो सीबीडी। हाँ इट कैन बी आइदर 7 or 8, हाँ जी सर, 7 से भी मिनिमम आ जाएगा एक ही, 8 से भी मिनिमम आ जाएगा, ठीक है सर। ये ए बी सी डी अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, मतलब अलग अलग इंटीजर डिस्टिंक्ट लिखा है यहाँ पे? नो सर। फिर ओके सर। पढ़ो। लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे के बी 5 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, center at O. In how many ways can 3 points be chosen out of A, B, C, D, E, F, G, H? H, J, K and O so as to form a triangle. Basically क्या है यार? क्या हो गए? अलग अलग centers हो गए तो octagon नहीं होगी एक तरीके से ये? पांच दो डेकन हो गई। हाँ। ठीक है ना, 10 पॉइंट निकल आए आपके। यस सर। 5 डायमीटर है ना? हाँ। हाँ जी सर। 5 डायमीटर से 10 पॉइंट निकलाएंगे? निकलाएंगे सर। यस सर। 1 2 3 4 5 10 डायमीटर, 10 पॉइंट निकलाए, अब उसमें से ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, 1 2 3 कोई भी 3 चूज कर लो ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। 10C3 10 × 8 9 × 8 तो 11 नहीं लेंगे क्योंकि 11 नहीं लेंगे इसमें। अच्छा एंड ओ 3 पॉइंट्स चूज नॉट ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ओ भी है बीच में, ठीक है सॉरी, ओ को ही लेना है तो हो जाएगा 11C3, पर इसमें से अभी गड़बड़ है, माइनस करना पड़ेगा। हां जी सर, 5 माइनस कर देंगे सर। क्या गया 11C3 माइनस 5 11 × 10 × 9/123 165 आ गया, बोलो। यस सर। पंगा क्या पड़ जाएगा जब आप ए ए ओ एंड बी ले लोगे? हां जी लीनियर पॉइंट्स, लीनियर बन जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है लाइन हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 5 कॉम्बिनेशन हैं। यस सर। माइनस 5 60 107 ठीक है। हाँ जी सर। यस सर ठीक हो गया सर। अगर वैसे बनाना होता तो 10C3 आ जाता, ठीक है। हाँ जी सर। जा सकता है ये बोल सकता है कि भाई टेकिंग सेंटर एज वन ऑफ द एजेस, ठीक है ना, मतलब ओ तो लेना ही लेना है। हाँ जी। तो हो जाता 10C2 माइनस 5 क्योंकि ये और ये नहीं ले सकते ना। हाँ जी सर, मतलब ओ लेना ही लेना है तो एक फिक्स हो गया। हाँ। बाकी रह गई। यस सर, वो स्ट्रेट वाले माइनस कर देंगे। हाँ स्ट्रेट लाइन वाले माइनस हो जाएंगे। ज्योमेट्री मिक्स्ड विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। The shortest distance of the point 1/2 and 1 from the curve y is equal to modulus
x minus 1 plus x minus 1 plus x plus 1 mod. इसका shortest distance पता करना है ये point से. हाँ जी सर. अगर आप देखेंगे coordinate geometry का थोड़ा high level question है, ठीक है, but इसको हम थोड़ा धक्के से कर सकते हैं. Put x is equal to 0. What is value of y? 2 आ गया. Yes sir. Yes sir. Can we write 0, 2 as this point? ठीक है. Put yes sir. X is equal to 1. टू आ गया. यस सर. वाई इज इक्वल टू 2. पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. टू ही आ गया. टू ही आएगा सर. पुट एक्स इज इक्वल टू 2. फोर आ गया सर. पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. फोर ही आ गया. मिनिमम तो फिर एक ही आएगा, एक दो पे जब एक्स एक ग्राफ. यस सर. ये आपका आपको पता चल जाना चाहिए कि भी ये ग्राफ कैसे बनता है. ठीक है, बोलो. यस सर. ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि पॉइंट क्या है, हाफ कॉमा 1. तो हाफ कॉमा 1 ये पॉइंट हो गया. हाँ जी. हाँ जी. यहाँ हाफ हो गया, हाइट 1 हो गई, तो इसकी मिनिमम हाइट 2 है. यस सर. यस सर. मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया? 1 आ गया. यही आंसर है क्या? यस सर. यस. ठीक हो गया भाई. इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाई? नहीं सर. ठीक हो. मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है, लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं आते. मैंने वैल्यू पुट कर लिया क्योंकि मॉड है दोनों, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. यस सर. यस नो. पॉजिटिव होगा ना भाई. मॉड का ग्राफ तो कभी नेगेटिव जाता नहीं है, पर दो मॉड के ग्राफ है इसलिए दोनों को कंबाइन कर लिया हमने. यस सर. एक्स चाहे माइनस हो, एक्स चाहे पॉजिटिव हो, हमारा ग्राफ पॉजिटिव ही आ रहा है. हाँ जी सर. ठीक है. यस सर. आप ये देखो कि जो मेरा वो है, इसको मैं आपको ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ. आपको बहुत ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंखों आंखों में इमेजिन कर लोगे. अच्छा, मॉड का ग्राफ तो पता है आपको क्या होता है? यस सर. वी शेप बनती है सर. वी शेप बनती है. वेरी गुड कृष्ण कुमार, बहुत ही बढ़िया. मनीषवा ये बन गया. अच्छा यस सर. अच्छा, अगर एक्स माइनस 1 का मॉड एक्स प्लस 1 का मॉड होगा तो क्या ग्राफ बनेगा सर? इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा शायद. एनीबॉडी एल्स? सर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा वो. हैं? लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा. हाँ, तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा. अगर बाहर प्लस होता ना तो ऊपर जाता. हाँ जी सर. अगर ये ग्राफ ये होता वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड प्लस 2 होता, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता. ठीक है, ये हो गया y is equal to x minus 1 है mod का, तो ये 0 कब आएगा? 1 पे 0 आएगा, तो ये यहां आ जाएगा ग्राफ. ठीक है. बोलो. हाँ जी सर. सर अगर जैसे प्लस 1 हो तो दूसरी साइड चला जाएगा? बिल्कुल. तो प्लस वाला किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड. ठीक है. तो आप क्या देखोगे कि जब मैं इन दोनों ग्राफ को ऐड करूंगा, ठीक है, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को, तो आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरी वैल्यू ये आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, मतलब यहां ऐसे बन जाएगी. समझाई? यस सर. जितना ये नीचे जा रहा है उतना ये अप जा रहा है, जितना ये अप जा रहा है उतना ये नीचे जा रहा है,
तो यहाँ कॉन्स्टेंट आ गई, इसके बाद ये दोनों भाई जुड़ गए, इसके बाद ये दोनों भाई जुड़ गए, हाँ जी ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ जो कि हमने बनाया था, ठीक हो गया? नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू से बना लो भाई, फंक्शन एंड ग्राफ वाला चैप्टर अच्छे तरीके से लगाओगे तो ये ग्राफ आंखों आंखों में बनने लगेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा वन पे है और ये माइनस वन पे है। अब वो पूछ रहा है हाफ पे, हाफ पे डिस्टेंस वन है तो ये हाइट कितना रह गया, वन ही तो रह गया ना। ये हाफ कॉमा हाफ होता तो आप कह देते थ्री बाई टू, ठीक है। बोलो, हाँ जी यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the square of seventh term of an AP with positive common difference equals to the product of the third and the 17th term, then the ratio to the first, sorry, the ratio of the first to the common difference is. कुछ भी नहीं करना, seventh term क्या होती है? A plus 6D. हाँ जी. The square is equal to A plus 2D to A plus 16D. A plus 2D into A plus 16D. 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 करना AOD की रेशियो निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो एक तो फंडा है कि इसमें यही पुट करके देख लो, ठीक है, पर फिर भी आप करो ए स्क्वायर प्लस 36D प्लस 12AD इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16AD 18AD प्लस हाँ जी 32D square yes no हाँ जी हाँ जी yes sir आएगा यहाँ भी। बोलो a square गया yes sir तो 4D square is equal to 6AD D भी गया एक एक D भी गया हाँ जी yes sir on A is equal to इसकी रेशियो पूछी है फर्स्ट फर्स्ट एंड कॉमन टू रेशियो थ्री ना कि थ्री रेशियो टू। क्या है भाई कोई मुश्किल है क्या ये? नो सर, एपी जीपी में पहली क्लास में ही कर लेते हो ये। यस सर बस नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन आइडेंटिकल इरेजर्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर किड्स इन सच अ वे दैट ईच किड्स गेट लिस्ट gets at least one eraser but nobody gets more than three erasers. Okay, normal case में इसको भूल जाओ पिछले वाला। Identical erasers हैं? Yes sir. सबको एक एक दे दो। सबको एक एक दे दी। कितनी बच गई? तीन बच गई। तीन बच गई। तीन eraser को चार बंदों में divide करना है। N item to be distributed among R people. N plus R minus one, C R minus one. याद आया? Chocolate yes, sir. तो क्या आंसर आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 1 2 3 कट हो गया, कितना आ गया? 20 आंसर आ गया। बट इसमें वो केस भी इन्वॉल्व है क्योंकि तीन चार तो दे दी हमने, भूल जाओ तीन बच गई, तो nobody should get more than three क्योंकि एक एक तो मिल गई है, ठीक है। अगर मैं ये 0003 वाला केस ले लूंगा तो इस बंदे को चार मिल गई नहीं? Yes sir। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? चार केस बनेंगे। हाँ जी। 0003 0003 0003 0003 0003 ये चार केस माइनस कर दिए। बोलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया सर fx 5x plus 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 5 gx दिया है x square माइनस 2x माइनस 1 तो याद है कोई है अपने उस ग्रुप से? है कौन सा ग्रुप चल रहा है अभी अपना? 26 से महक बेटा F3 क्या होगा? F3 F
की वैल्यू सर पुट कर देंगे 17/4 आ गया, ठीक है। अब 17/4 को दोबारा पुट कर दो इसमें, एफ ऑफ एफ है, यस सर, 5/4 प्लस 2 4 माइनस 5 93/4 और नीचे 31/4 कट हो गया, ये 3 आ गया सर, यस सर 3 आ गया, तो फिर इसमें 3 पुट कर दो, 9 - 6 - 1 2 आ जाएगा सर, यस सर। आपको ये किसमें कौन सी लाइन लग गई इसमें, ठीक है भाई, यस सर हो गया, क्वेश्चन हो गया, आई नहीं कुछ इसमें, ठीक है। हाँ जी सर, लेट A1 A2 हमारा ये आप देख रहे हो ना, F3 पुट करके दोबारा 3 आ रहा है, F of 3 is equal to 3, yes no? Yes sir. F of x is equal to x आ रहा है मान लो, yes sir. तो ये reflexive function हो गया, दो value है वही पुट करें तो वो दूसरी value, yes sir, yes sir. हो गया, yes sir. When f of x is equal to f of y, रिफ्लेक्सिव फंक्शन हो गया, यस सर। अब इसमें वो 10 बार भी लगा सकता है, f of 3, अब बोलो ये 3 है, ये 3 आ गया, ये कुछ और आएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ये कुछ और आएगा, फिर ये 3 आएगा, तो ये भी 3 ही आएगा, यस सर, इवन पावर पे वो 3 ही आएगा, हाँ, इवन f पे, स्क्वायर माइनस 2x - 1, ये आपका इसमें पुट कर देंगे 3, आंसर आ जाएगा 2, जी। लेट A1 A2 up to 3n, वो 3n नीचे सर, बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 = 3 A2 = 7, क्या है ए की ए, अच्छा 3 इसमें 3n नीचे सर, यस हां 3 है, 3 3n टर्म्स हैं, हां जी सर, यस सर, ये 3 है, ये 7 है, हां जी, तो डिफरेंस निकल जाएगा 4, तो फोर आ गया, इफ A1 प्लस A2 हाँ जी, यस सर, ये हो गया n upon 2 into a n minus 1 into d is equal to 1830, तो ये 3n है, यस सर, तो कोई बात नहीं, पहले n निकाल लेते हैं, n3n तो बाद में निकल जाएगा। m कहाँ पे आ गया, ये m है यहाँ पे, ये m है, नहीं सर वो n है सर, उसके बाद उसने कहा है अभी अप टू n टर्म्स के, जब m को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम किससे आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1830 किससे आएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that m ये क्या है जी सर, ये a1 plus a2 up to an है, सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे जब m से, m को मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा m को मल्टीप्लाई करने पहली, हां जी सीरीज a की n तक, एक मिनट पहले तो n निकालो यहां से, हां जी पहले वो निकालनी पड़ेगी, तो ये हो गया n/2, a कितना है 3 है, 6 हो गया, प्लस d कितना है 4, 4 है सर, 4, तो 4d हो गया, 4 into n - 1d, यस सर, 4 into n - 1 is equal to 1830, right? हाँ जी सर। अब या तो quadratic equation solve कर लो, basically ये 3n है, basically 3n है ना ये? Yes हाँ sir. जी basically 3n है सर ये। कोई बात नहीं। तो अब n को ना, let us say के हमारा n को 30 put कर लो ऐसी randomly, तो 30/2 + 4 + 6 + ये क्या हो जाएगा 2+4n हो गया, 2+4n हो गया, हाँ जी सर हो गया, ये हो गया 2+ 122 हो गया सर, हो गया हाँ जी 122 1830, अब ये 61, अरे ये तो तुक्का लग गया हमारा, बहुत बढ़िया, क्यों तुक्का क्यों लगाया, मैंने 10 क्यों लिया, n 30 क्यों लिया भाई,
वो थ्री का मल्टीपल है ना, वो थ्री का मल्टीपल है और पीछे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो। तो इसका जो मोटा 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 बनने के चांस जो है वो ये बनने के चांस है कि जो मेरा नंबर होगा वो मेरा कुछ ऐसे जुड़ेगा ताकि पीछे जीरो आ जाए, तो या तो मैं 20 ले लेता या 40 ले लेता, कहीं तो अटकता, ये तो बाई चांस 30 पे ही अटक गया, तो n 10 हो गया। n क्या हो गया, n n वाला मतलब एक क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सर, 3n में कांसेप्ट क्या है सर, क्या कांसेप्ट कुछ नहीं है, पहले 3n उसने दिया हुआ है, ये 3n की जगह k मान लो चाहे, ठीक है, n 10 हो गया, यस सर। टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 3 + 7 नहीं बेटा, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 36, 39 बटा 2। चलो ठीक है, 10 जैसे मर्जी कर लो। हाँ जी, हाँ जी, 42 210 आ गया, यस सर। तो 210 को कितने से गुना करे ताकि ये 1830 से बड़ा आ जाए, 9 आ जाएगा, 9 से, राइट। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी सर, अगर वो तो तुक्का लगता तो सॉल्व करना पड़ता। हाँ जी सर, वो अगर 30 ऐसे गैस ना करते तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते। हाँ जी, वो वैल्यू आती एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकती। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर, अब इसका एक और मेथड बन सकता है, क्या बन सकता है, ये हमें बोल रहा है कितनी टर्म्स का सम, 30 टर्म्स का सम, ठीक है, नहीं कुछ n टर्म्स का सम बोल रहा है, yes, sir. बोल रहा है उसके तीसरा हिस्सा टर्म्स का सम, जो टर्म्स हैं उसका तीसरा हिस्सा हो गया ना, मतलब ये टोटल टर्म्स हो गई, इनका जोड़ है, मान लो ये जोड़ वाई है, तो ये वाई प्लस समथिंग होगा। हाँ जी, ये वाई प्लस क्या होगा, 4 × n हो जाएगा, ये हो गया 4 × n²। चलो छोड़े, इस लंबे चक्कर में नहीं फंसते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी, डन हो गया बेटा जी सारे क्वेश्चन, फटाफट ओवरव्यू देते हैं सभी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, शुरू से लेके, है ना। हाँ जी, ये वाला इजी सर, कल 17 तक तो कर लिया था एनालिसिस हमने। हाँ जी सर, 18th वाला दो मुश्किल, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज योर ज्योमेट्री, मीडियम, यस मेंसुरेशन, यस सर, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मैं बहुत इजी नहीं डालूंगा, मैं मतलब आई विल बी जेन्युइन विद यू गाइस, हां ठीक है, दिस इज योर इजी, इजी ठीक है, दिस इज योर इजी, इजी वन ठीक है, दिस इज योर स्लाइटली डिफिकल्ट, मीडियम में डाल दो, डिफिकल्ट डाल दो क्योंकि जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आता है वो रिवर्स करने वाला फंडा, ये इजी, यस सर, मीडियम में डालो, 0.2 नहीं पता लगता कई बार, ठीक है, दिस इज मीडियम, ये थोड़ा डिफिकल्ट डाल लो, ठीक है, यस सर, ये आपका इजी क्योंकि मीडियम सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी, ये वाला क्वेश्चन इजी, ये वाला क्वेश्चन मीडियम, कई बार नहीं पकड़ में आता, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मीडियम क्योंकि वो माइनस करना भूल जाता है कई बार बंदा, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये वाला क्वेश्चन इजी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मीडियम, 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 डिफिकल्ट में भी डाल सकता हूँ बट मीडियम डालूंगा मैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका जो है इजी, इजी सर, ये तो, ये तो, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका मीडियम, मीडियम, ये मीडियम, थोड़ा ले ना, खुश हो जाओ थोड़ा सा। Thank you very much. So this was the complete analysis of 2017 CAT. और इसमें से first जो 17 questions थे, I think उसमें से दो ही गंदे थे। हाँ जी सर। पांच difficult निकले हैं। पांच ही निकले हैं ना difficult वाले, जो मैंने difficult कहा, आप तो फिर भी medium कह रहे हो करने के बाद, ठीक है? ठीक है?
मैंने पांच डिफिकल्टी कही ना. यस सर. हां जी सर. और दो सात डिफिकल्ट हो गए. ठीक है, तो सात डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई. 34 में से 20 डिफिकल्ट है. 80% तो डूएबल है ना. यस सर. यस सर. वही 80% को करना है. ठीक है.